एक गल याद आई कि मैं गाने लिए ना कुछ डोगरी सूट ढूंढन गया हा कि अपने फीमेल मॉडल्स लिए जेडे सानू ड्रेस चाहिए हे, तो मैं बड़ा थोड़ा शॉकड होया कि अहें शॉप च दिखा दे हैं कि पंजाबी कट ये सूट वो सूट इन्ने सारे ना है उन्दे कुल 12-13 सूटे दी लिस्ट ही। अच्छा। बट जदों मैं गल करां डोगरी सूट दी सिर्फ एक दुकान ही जिथे रेंट उपर सूट मिलदे हे। ते होलां दी डोगरी सूट महंगियां बटीकां दे कराई उड़ गए बटीक तेरे ना गोरिए ओ तू की लगदा है बड़ा गे मशहूर तू है सिक्का चलदा जवाल सारे शहर गोरिए शौक रख दी डुगर शहर घूमने दा जे आखे तू कमाई दे जम्मू शहर गोरिए बड़िया दे कड्डे है डाउट कुड़ी ने तू रखिया दिले च ना कोई बैम मुड़िया ओ रखदानी जम्मू वाला वहम दिल च मैं दिल च कुड़ी है बस तू ही रखना। कश्मीर में ट्रेंड बन रहा है अब, एक ट्रेंड किसका कि आजकल हमारा यूथ जो है वो जिन रूट से पिछड़ा हुआ था, अपनी जो डोगरा कल्चर था उससे जिससे पिछड़ा हुआ था, आज वो उसके साथ फिर जुड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो यूथ है जम्मू का वो नए नए गाने जो है वो लेकर आ रहा है, नए नए मतलब ऐसे ऐसे टैलेंट सामने लेके आ रहे हैं कि जब भी कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और आपने हमारे बहुत यूट्यूब पे भी आप देखते रहते होंगे कि बहुत सारे कलाकार जो हैं डोगरी गाने लेकर आ रहे हैं, डोगरी एक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं और एक पूरा एक ट्रेंड छा चुका है और बाहर के लोग भी अब डोगरी रील्स जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक ऐसे ही कलाकार अमित कुंडल जो हैं वो मौजूद हैं, इनको आपने पहले भी देखा होगा, इनकी बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़ जो हैं वो रिलीज़ होती रहती हैं, सिंगर हैं बहुत खूबसूरत जो है वो ये गाते हैं। तो इनकी अभी रिसेंटली एक एल्बम जो है वो रिलीज़ हुई है, तो उसी के बारे में इनसे बात करेंगे। सबसे तो पहले आप अपनी एल्बम के बारे में बताएँ। नमस्ते जी, तो मैं सारे का पहले बड़ा बड़ा नमस्कार करना चाहना, तो कने TSL का बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं कि वो अज आए इतने। एंड गाने का नाँ है बेसिकली डोगरी सूट, एंड ये जड़ा गाना है ये अहें कोशिश की है कि अपना कल्चर जो पुराना कल्चर है 2000 साल से कियाँ है लोग रोंद हे कि साढ़े फंक्शन होंगे, तो उस चीज़ की दसने की कोशिश की है। तो गाना तो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके था, तो यूट्यूब चैनल अमित कुंडल म्यूजिक उपर जाइए दिखी सकते हो। एंड गाने दे कुछ बोल मैं गाइए सुनागा, बोल भी सुनागे, पर सब तो पहले आइडिया डोगरी सूट का जो है वो किधरों आया? डोगरी सूट का बेसिकली गाने का टाइटल है बैम दिले च, बट लोग आख्या यार ये टाइटल सूटेबल नहीं लगा था। तो जदों मैं देखा कि जदों गाने की रील्स बन लगी ना बहुत ज़्यादा रील्स जो ऑडियो है लॉन्च किया बहुत ज़्यादा रील्स। अच्छा, सबसे पहले आपने रील्स बनाई? एग्जैक्टली, तो गाने का ऑडियो लॉन्च किया तो लोग बड़ी रील्स बनाई, फिर जो अं देखा कि इन्नी सारी रील्स आ रही ना गाने की बनी बनीए, तो उस बाद अं सोचा कि नहीं यार सारे बच्चे डोगरी सूट पाइए रील्स बना देना, तो अं गाने का ना फिर सोचा कि डोगरी सूट ही होना चाहिए। एंड दैट वॉज लाइक परफेक्ट नेम फॉर दिस सॉन्ग। एंड उसके बाद गाना बढ़ता गया बढ़ता गया, तो बच्चों की रील्स देखिए कि अहें एक स्टोरी लाइनअप सोचा कि नहीं यार जिस तरीके की ये एक्टिंग करा दे इंदे को इंस्पिरेशन लिए अहें एक थीम डिसाइड की गाने की। अच्छा, मैं दसो जम्मू मतलब मुझे बताओ कि जम्मू के किस किस लोकेशन पर आपने शूट किया? तो गाने का बेसिकली शूट सैटअप एको ग्रां च होया जो कि कोटली मियाँ ग्रां है बिश्नाह च जगह है तहसील आरसपुरा, तो बड़ा गै चंगा लगे जदों अहें उत्थे गए लोकेशन दिखने सारे लोगों सपोर्ट की, कोहे ने अपने घर के अंदर शूट कर दिता एंड चाय पानी आखते ना हर टाइप की सपोर्ट दी, तो मिगी बड़ा खुशी है इस चीज़ की कि साढ़े लोग खातेदारी बड़ी शैल करते हैं, तो ये उम्मीद भी करा दा है मैं कि लोग सानू इस तरीके के एफर्ट से सपोर्ट करते रहन। अच्छा, मेरे को बताओ जब आप पहली बार शूट करने के लिए बिश्नाह गए वहाँ पर लोगों का रिएक्शन मतलब कैसे देखने को मिला? लोग बड़े खुश है क्योंकि साढ़े बिच जिन्ना सांबा कॉमेडी स्टार भी कने साढ़े अभिता शर्मा जी सिंगर साढ़े ही एंड कने रिया राजदान जी मॉडल ही साड़ी फीमेल लीड एंड मेन कुलदीप भाई भी साढ़े कने जड़ा कि डोगरी कॉमेडी स्टार है, तो वो कने क्यों है कि लोगों के एक्साइटमेंट हो गई सवेरे सवेरे कि अज इतने ग्रां च बड़े आर्टिस्ट लोग आने ने, तो वो लोग सारे प्रिपेयर है तो पहले से ही आगे बैठ जाते थे। एग्जैक्टली, लोग के आइए मतलब गाने का शूट दिखाया पूरा एक्टिंग भी की सारा गाँव जिन्ना भी है उत्थे सारे लोग गाने च पार्टिसिपेट करा रहे थे, बड़ा चंगा लगा था सानू। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ मतलब जिस पे आपको लगाओ कि मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये भी देखने को मिलेगा गाने के दौरान? सब तो वधिया गल लगी मिगी कि जदों अहें शूट करा दे कि लोकें दी एक होंदी है ना कि एक सपोर्ट बड़ी ही उत्थे, लोग गाना सुना दे ते अपने ग्रां दे लोकें जे सुना दे कि चलो चलचे उत्थे शूट लई लोग चाहिए ने ते आओ उधर,
तो मतलब ऑटोमेटिकली लोग आए उते, एक तो शनिवार ही छुट्टी वाला दिन भी नहीं, बट लोग आपे आ दे उते, तो साढ़े लिए बड़ी बड़ी गल है कि लोग जुड़ा दे साढ़े कन्ने साढ़े डोगरी लैंग्वेज लिए तो साढ़े डोगरी गाने लिए भी। अच्छा मुझे बताओ कि मतलब कौन, अभी तो वैसे आपने कुछ आर्टिस्ट का नाम बता दिया, और भी जो आर्टिस्ट है बैकग्राउंड आर्टिस्ट हैं उन सबके बारे में बताओ, मतलब कैसा रहा ये आपका जो एक्सपीरियंस है डोगरी सूट का। तो मैं तुम्हें शुरू को अपनी दास्तान दसना है गाने की, तो डोगरी सूट गाना जोड़ा है कि सुमक्ष जम्वाल जो सारे राइटर हैं जिन्हें पेटियाँ चार साढ़ा डुगर दे सारे हिट गाने लिखे, तो ये भी एक हिट उस टाइम पर भी हमने हम मिले एग्जैक्टली, तो सुमक्ष जम्वाल ने गाना लिखे है, तो वो बाद म्यूजिक साढ़े एज फेवरेट वजीर एक्स म्यूजिक के वी आ बीट यारा के वी ने बनाया म्यूजिक, और बाद ये जो वीडियो डायरेक्टर ने के मल्होत्रा जी, उनकी पूरी टीम के मल्होत्रा फिल्म ने की दी है, एंड टीम की गल करा तो मेन लीड से साढ़े कुलदीप हंस जी हैं, तो कन्ने उनके कन्ने रिया राजदान जी, तो जेडे सिंगर च मेन लीड बहुत सोहना गाते हैं, बहुत सोहनी सुरीली आवाज़ उनकी, अभिता शर्मा जी उनका नाँ है, तो बहुत ही चंगा परफॉर्म किया उन्हें। अदर दैन दैट देर आर चाइल्ड आर्टिस्ट सांबा कॉमेडी स्टार्स जी हैं, विवेक संगोत्रा भाई जो कि एक अच्छी बॉलीवुड मूवीज़ में एक्ट करते हैं, तो उन्होंने भी अपना एक रोल किया है इसमें, तो मतलब बहुत सारे करैक्टर्स अपने अपने फील्ड के महारत थे, एंड बड़ा ही मज़ा आया। तो जे बच्चों की गल करा आद्या ही उच्च दृष्टि ड्रामा क्वीन कुड़िए वो भी ही उच्च मतलब वो आजकल बहुत इंस्टाग्राम पे छाई रहती है, कन्ने आकाश भी ते कन्ने माही, ये सारे बच्चे ही साड़ी टीम च जेड़े इहदे च पार्टिसिपेट करा दे, ते बड़ा चंगा लगे, बहुत शैल एक्सपीरियंस रहा, एंड उम्मीद करना तुम्हें भी गाना उन्ना के पसंद आए, तो यूट्यूब से प्लीज़ जी ये दिखियो, एंड जे जो भी तुम्हारा फीडबैक हो कि इस इंप्रूवमेंट की लोड़ है या इसी इन्या चेंजेस करनी चाहिए तो प्लीज़ एक बार मैंशन करो, सो दैट अपने नैक्सट प्रोजेक्ट चाहे वो चीज़ इंप्रूव कर चे। अच्छा मुझे बताओ कि अब हमारे जम्मू में नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, एक्टिंग को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, डोगरी रील्स वो भी बनाई जा रही हैं, डोगरा कल्चर को एक बार रिवाइव किया जा रहा है, तो मुझे बताओ आप भी कॉन्टीन्यूसली इसी तरीके के गाने गा रहे हो, इसी तरीके के मतलब आप चली जा रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो आपका कि मतलब होता है, मतलब हर एक आर्टिस्ट का होता है कि फीडबैक में कुछ ऐसा मिला हो कि आप सरप्राइज हो गए हो? हाँ जी, सो बेसिकली मेरा जोड़ा काम करने का तरीका है ना, जो मैं डोगरी के ना एक बहुत स्टाइलिंग बेच दिखना होना, क्योंकि किसी की पहचान होती है कि वो उसी फोक च गाना चाहता है, किसी की पहचान होती वो उसी एक डिफरेंट वे च लेना चाहता, बट मैं पॉप स्टाइल डोगरी का वैस्टर्न वर्जन के होग, डोगरी च भांगड़ा स्टाइल के होग, तो मेरा थोड़ा नज़रिया उस तरीके का, तो कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ लिए मैंशन करते कि तुहें डोगरी की पहाड़ी राग उपर नहीं बना दे, ओदी जड़ी फील है फोक आली नहीं आ दी, तो मैं अपने ऑडियंस की भी तो अपने लोगों की भी थोड़ा ये दसना चाहना कि लैंग्वेज ना कोई वो नहीं होती, वो सीमित नहीं होती, कोई अहें ये नहीं आखी सकते कि पंजाबी ट्यून है, ट्यून इज़ नेवर डिफाइंड, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कुसै दे अपने नहीं होंगे, जे जम्मू च बजन वो जम्मू दे हो जाने है ना, तो जे पंजाब च बजन पंजाब दे हो जाने, हूँ मैं एक एग्जाम्पल के दिना, हूँ जियां एपी डिलो है ना, वो रेंदे फॉरन ठीक है, गाने गाते तगड़े पंजाबी, बट म्यूजिक होता होता हॉलीवुड, तो उन्हें अहें ये नहीं आखी सकते कि तुम पंजाबी गाने नहीं गाते, इट इज़ जस्ट लोग नाराज, मतलब लोग नाराज भी नाराज नहीं होते, मतलब लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि तुम इं कैली करा दो, बेसिकली अहें अपनी जनरेशन कने मैचअप करने की कोशिश करा दे, जिहड़ा गैप साढ़े बिच रही है डोगरी का, तो वो मैचअप करने की कोशिश है कि डोगरी हून इ'यां नहीं कनैक्ट होई सकदी, हून अज्ज दी जनरेशन जियां सुनदी है गाने ना, उस लेवल तक उस म्यूजिक की लियाने की जरूरत है। अच्छा ये जो डोगरी सूट है, ये आपने जो मैंने देखा वीडियोस में भी, आप भी सब देखना, आपकी जो लुक है उसमें वो बहुत ही, मतलब हमने आपको ऐसे स्टाइलिश लुक्स में देखा है ना, एक बहुत एक यंगस्टर की लुक में आपको देखा है, उसमें आपका जो लुक है वो बहुत ही मतलब ऐसे जैसे लग रहा है कि एक ओल्ड एज किस्म का आपका लुक उसमें आपने अपनाया, तो कितनी मुश्किल हुई वो लुक को ग्रैब करते हुए? तो बेसिकली इस गाने की जी थीम ही है बड़ी मुश्किल ही अपने आप से, क्योंकि अहें थीम चुनी कि अहें पुराने रिवाज च रौह्ना है, पुराने कपड़े पाने ने, पुराना स्टाइल दसना है, पुराने ग्रां दसने, तो पुरानी ही लोकेशन लगनी चाहिए है, तो फिर अहें अपनी मम्मी पापा की हेल्प ली, मैं अपनी मम्मी पापा के डोगरी सूट जो मम्मी दे मतलब पूछ के लिए कि नहीं 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 उन्हें की हेल्प कराई, सब तो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस गाने से ना उन्दा गया, बिकॉज जिन्नी भी एक्ट्रेस हैं मेल आले उन्होंने सारे डैडी उनके कपड़े भी यूज़ किए ना उस एक्ट च, बिकॉज एक रिजेंबलेंस लगनी चाहिए कि वो प्योरिटी लगनी चाहिए कि जो कपड़ा ये पाया है लगना भी चाहिए है कि उस जमाने का गया है। तो इसका मतलब ये हो कि आजकल जम्मू में वो पुराने कपड़े जो हैं वो नहीं मिलते, जो कभी 1980s में जो लोग पहनते थे, जो हमारे बुजुर्ग पहनते थे, वो आज के, क्योंकि आज भी मिलते हैं वैसे, बट
वो 2020 वाला 22 वाला एक्सेंट होता है उसमें है ना, बट जो पुराना डोगरी कल्चर था वो आजकल मतलब नहीं देखने को मिल रहा है। ट्रू। ते कन्ने एक तुंदी गल कन्ने मिगी ने एक गल याद आई कि मैं गाने लिए ना कुछ डोगरी सूट ढूंढन गया हा कि अपने फीमेल मॉडल्स लिए जेहड़े सानू ड्रेस चाहिए थे, तो मैं बड़ा थोड़ा शॉक्ड होया कि अहें शॉप च दिखा दे हैं कि पंजाबी कट ये सूट वो सूट इन्ने सारे ना है उनके कुल 12-12, 13-13 सूटे की लिस्ट ही। अच्छा। बट जब मैं गल करा डोगरी सूट की सिर्फ एक दुकान ही जिथे रेंट उपर सूट मिलते हैं। अच्छा। तो जा बड़े ही लिमिटेड दुकान वो है। तो वो सिटी वाली साइड ही जिथे आइसक्रीम वाली शॉप है ना उधर साइड ही। बट मेरा कहने का मोटिव ये है कि असें कुद ना कुद असें अपने ड्रेसिस की आप इग्नोर करा दें, असें प्राउड फील नहीं करा दे, तो सानू अजकल तो वैसटर्न कल्चर एग्जैक्टली जी कुड़ियों के ब्याह होते हैं ना अज के टाइम जिन्नी भी गर्ल्स है ना उन्हें प्राउड फील होना चाहिए कि यार मैं अपनी शादी में अपनी डोगरी ड्रेस डालूंगी। मेरे को लगता है आप ये बात कह के उनको नाराज कर। नहीं, मैं नाराज नहीं करा था, जो उन्हें प्राउड नहीं फील होता तो फिर ऑल ऑप्शन आर अवेलेबल विद दैम। बट इफ़ यू सी द डोगरी ड्रेस, इट्स सच एन अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसमें इतने अच्छे अच्छे कट पीस डिजाइन है ना, आपको वो बहुत रॉयल्टी फील कराती है। तो मी तो बड़ी पसंद आई, तो मेरे अच्छा भी बड़ी पसंद आई, तो मैं उम्मीद कर रहा तुम्हें भी पसंद आनी चाहिए है। अच्छा, अब काफ़ी टाइम हो गया बातें करते हो, अब तो कुछ लाइनें सुना दीजिए। ठीक है, गाने दी कुछ लाइनें मैं गाइए सुनागा, तो डुएट गाना है, तो जरा सब तो फेमस पैराग्राफ है वो ये गागा। होलां दी डोगरी सूट महंगियां बटीकां दे, कराई उड़ गए बटीक तेरे ना गोरिए, ओ तुगी लगदा है बड़ा गे मशहूर तू है, सिक्का चलदा जवाल सारे शहर गोरिए, शौक रख दी डुगर शहर घूमने दा, जे आखे तू कमाई दे जम्मू शहर गोरिए, बड़िया दे कड्डे डाउट कुड़ी ने, तू रखिया दिल च ना कोई बैम मुड़िया, ओ रखदानी जम्मू वाला वहम दिल च, मैं दिल च कुड़ी है बस तू ही रखना, रखदानी जम्मू वाला वहम दिल च, मैं दिल च कुड़ी है बस तू ही रखना। एक कुड़ी केड़ी है? एक कुड़ी हूं तो आखी नहीं सकता केड़ी है, बट हाँ एक गाने दी थीम है, तो कुड़ियाँ कोई भी हो सकती है ना, डोगी सूट जड़ी भी पा दी तो सोहनिया के लगनी है कुड़ियाँ, तो कोई भी कुड़ी हो सकती हो। अच्छा, हूँ अपने गाने बारे सारे दस दौ तुसी। बिल्कुल, गाना जड़ा है ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हो गया है, यूट्यूब चैनल का नाँ है अमित कुंडल म्यूजिक, ते तो सारे डोगरी सूट ना सर्च करिए, गाने की सर्च करी सकते हो, तो ढेर सारा प्यार दियो क्योंकि अगे भी बहुत सारी रील्स बना दी, मैं उम्मीद करना वो रील्स बन, तो गाने की जिन्ना अहें अपने पॉपुलर करिए उन्ना साढ़े लोगों की मिल मतलब सुन लई पुजना गाना, तो मेरी कोशिश यही रोंदी है कि अहें इन्नी मेहनत करिए, सारी टीम एक प्रोजेक्ट बनाती है, तो तुंदे शेयर की सपोर्ट सानू हमेशा रोंदी है, तो यूट्यूब लिंक की प्लीज़ दिखो जाइए, ते जे तुसें सपोर्ट करदे रहोगे ना तो साढ़ा हौसला बधदा, ते असें होर गाने लई एक कॉन्फिडेंस लिए अग्गे आने होने, ते तुंदा प्यार साढ़े लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब आखिर में जाते जाते ये भी बता दो कि अब आने वाले प्रोजेक्ट्स में मतलब किस किस तरीके के अब वीडियोस देखने को मिलेंगे, म्यूजिक सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सो बेसिकली देखो सारे ना अपना अपना एक मोटिव होता है, तो मैं एक मोटिव ये ले चला ना कि मैं सारे डोगरी दे एक स्टाइल पकड़ने ना, पहले मैं सब तो पहले सुखना गाना किया जो कि रोमांटिक फील आ, नेपाल जी गाना शूट किया मैं, बहुत हाई लैवल बजट से वो गाना शूट होया, तो सेकंड गाना फिर मैं किया कि लोग आखते नचने वाली कोई चीज़ चाहिए, फिर अहें पेटियाँ चार गाना किया जिस बिल्कुल एक शादी ब्याह च नचने वाला गाना हो जाए, फिर उद्दे बाद फोक लोग आखते कि कोई पुराना फोक सुनना है, तो फिर मैं धोबन गाने की रीप्राइज वर्जन दसिया लोगों कि अगर अज धोबन गाना गाया जाता तो वह स्टाइल क्यों होता, और बाद ना तुंदे को एक पुराना स्टाइल का डोगरी सूट गाना आई जाता है, और इन फ्यूचर भी साढ़े जो प्रोजेक्ट ने मैं दसी नहीं सकता, बट ऑलरेडी काम चला दा है, ऑलरेडी म्यूजिक बनी चुके हैं, ऑडियो तैयार ने, बस वीडियो की प्लानिंग हुआ दी है, बट जे तुम इस गाने की प्यार देगे तो साढ़े लिए एक बहुत बढ़िया एक कॉन्फिडेंस मोटिवेशन होती है कि हाँ और शैल शैल काम करचे।